नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बार सभी लोग जो यूपीपीसीएल के बच्चे हैं वो बोल रहे थे, सर अब हमारा एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है। ऑलमोस्ट आपका अक्टूबर लास्ट वीक में बोला गया है कि इनका एग्ज़ाम यूपीपीसीएल का कंडक्ट करा लिया जाएगा। पहले सेकेंड वीक था, अब लास्ट वीक है। तो अब मुश्किल से आपके पास 20-22 दिन जो भी हैं वो बचे हुए हैं। अब इस 20-22 दिन में कैसे सिलेक्शन लेना है वो आपको जो एक तरह से संपूर्ण रणनीति जो है वो आलोक सर के द्वारा आपको दे दी जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहां पर जो है रीजनिंग जो एक स्कोरिंग पार्ट है आपका, उसमें आप 45 में से 42 प्लस प्रश्न कैसे सही कर सकते हो इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। तो जितने बच्चे नए हैं चैनल पे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें। यह काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बच्चों के लिए जो एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों को कुछ पता ही नहीं था और इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है। तो आपको सीमित समय में किस चीज की प्रैक्टिस करना है, कहां से प्रैक्टिस करना है, मैं वो सब सोर्स बता दूंगा। और उतना अगर आप कर ले गए तो ये तो दावा है कि आप 42 से ऊपर ही प्रश्न सही करके आओगे 45 में से, और अच्छा स्कोरिंग पार्ट है। और ये जो मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूं वो आपके जो प्रीवियस 4 पेपर हुए हैं ऑफिस असिस्टेंट के, ठीक है, 22 तारीख में हुआ है, 17 में हुआ है, 22 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 1 सितंबर में हुआ था। ठीक है, उन सभी पेपर का हम एनालिसिस करके आपको ले आए हैं सामने कि किस टॉपिक को आपको, अगर मैं बोलूं तो सबसे बल्क में प्रश्न आता है और किनसे एक एक दो दो प्रश्न आता है जिनसे आप अपना कॉमन सेंस यूज करके प्रश्न को सही कर ले जाओगे। ठीक है, तो अभी आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एकदम सब कुछ आसान तरीके से मैं आपको 40-42 प्लस तो आपको दिला दूंगा। ठीक है, कि अब 20 दिन में क्या पढ़ना है, पेपर के एनालिसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूं क्या रीजनिंग की स्ट्रेटेजी अब रखो आप लोग। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या था आपके, अभी आप देख रहे हो यहां पर, यह मैं 2018 में आपका ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नहीं होता था, ऑफिस असिस्टेंट होता था, उसमें अगर हम बात करें तो यहां पेपर आप देख रहे हो, इस पेपर में देखो फिगर सीरीज के दो दो प्रश्न आए हुए हैं, 24 अक्टूबर के पहले शिफ्ट, 24 अक्टूबर के दूसरे शिफ्ट, 17 अक्टूबर को पहले शिफ्ट में, उसके बाद से 23 सितंबर पहले शिफ्ट, 2018 में यह पेपर हुआ था। ठीक है, यहां पर इससे नहीं आया, लेकिन फिगर सीरीज आएगा और एकदम आसान आता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे आप कॉमन सेंस अपना यूज करके क्या कर सकते हो, इसमें आप जो है बता सकते हो कि इतने आपके क्वेश्चंस जो है होंगे वो आपके सही हो जाएंगे, मतलब ये दो प्रश्न तो आपको यहां से मिल ही जाएगा। तो ये दो प्रश्न तो यहां से अभी भी बनेगा आने वाले एग्जाम में भी, तो इसको पढ़ने की जरूरत है, इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप क्वेश्चन करो, जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे वहीं पर इसका पूरा हो जाएगा। अभी मैं बता दूं कि बल्क में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो एक, देखो ये वाला पार्ट, आप कोडिंग डिकोडिंग देख रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग देख रहे हो, कहीं आपका 3 प्रश्न है, 7 है, 8 है, 3 है, मतलब मैं अभी कहूं तो यहां पे ओवरऑल एवरेज में कहूं तो आपसे ऑलमोस्ट 4 से 5 प्रश्न पूछेगा, ये मेरा अंदाजा है। टीसीएस हमेशा कोडिंग डिकोडिंग को अच्छा पूछ रहा है, 4-5 प्रश्न पूछेगा ये ध्यान रखो। तो अगर मैं कहूं कि 5 प्रश्न ही लेकर चलता हूं, ठीक है, यहां पर एक बार ध्यान दो, मैं कहा कि अगर 5 प्रश्न आपके यहां से एकदम सिक्योर है कि 5 प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आपके फिगर वाला एकदम सिक्योर है कि ये आना ही आना है, ठीक है, उसके बाद से हम एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी वाले में देख रहे हो, यहां पर, यहां एनालॉजी में देखो सब में 7-4-5-4 ऐसे आया है, 5 प्रश्न आपके एनालॉजी से, यहां पे अगर हम कहें तो ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये एनालॉजी हो गया। ठीक है, अभी एक बड़ा सा बचता है आपका क्लासिफिकेशन, देखो एनालॉजी में भी जो आपका प्रश्न बना है ना मैक्सिमम कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्मेट में ही बना था, वर्ड नहीं था कोडिंग डिकोडिंग के, तो 5-5-10-2-12। अभी क्लासिफिकेशन की बात करें आपको तो क्लासिफिकेशन यहां पर देखो एक बड़ा सा चंक ये भी होता है, देख रहे हो यहां 3 को छोड़ दो तो 6-5-4 है ही है, तो ऑलमोस्ट मैं इसे कहूं कि ये अभी आपका 5 आएगा ही ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 5-5-10-15 क्वेश्चन तो आपका यहां से हो गया, और क्या आपका हो सकता है जो बल्क फॉर्मेट में आपको दे, देखो और आपका देखो सीरीज पे एक आ जाओ, एक बार सीरीज की अगर मैं बात करूं
तो सीरीज में आ जाओ तो देखो 2, 1, 6, 5 दिया ही दिया है, तो मैं ओवरऑल नहीं कुछ तो 3 से 4 प्रश्न कहूं तो सीरीज के 4 आएंगे। अब अल्फाबेटिक और नंबर सीरीज सब मिलाकर रहेगा, और ये फिगर सीरीज है, ये आपका फिगर सीरीज है, ये ध्यान रखना। अभी इतने टॉपिक से आप कितने नंबर पे पहुंच गए, 5, 5, 10, 5, 15, 15, 4, 19, 20, 21 प्रश्न आप पहुंच चुके हो, बस इतना, 1, 2, 3, 4 टॉपिक, और इसको पढ़ना नहीं है, इन सब पे प्रैक्टिस करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप 21 प्रश्न पहुंच चुके हो बस इन 4 टॉपिकों से, बाकी जो टॉपिक है उससे आपके आधे हैं, मतलब इन 4 टॉपिक से आप पूरा का पूरा भी 21 मतलब ओवरऑल 50% के अप्रोक्स पहुंच रहे हो। अभी बात करें मिसिंग नंबर, देख रहे हो एक शिफ्ट में नहीं आया, बाकी में आया है मिसिंग नंबर, और किससे बल्क में आपका क्वेश्चन आया, बल्क में अगर हम बात किया जाए तो रैंकिंग ऑर्डर तो आपका आएगा ही आएगा, यहां से आप समझ लो 2 क्वेश्चन तो रैंकिंग ऑर्डर से फिक्स है आपका, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है। आप छोटे छोटे दो दो पे आओ, अब बल्क नहीं मिलेगा, हाँ एक बल्क और मिलेगा आपका सिलोगिज्म से, ठीक है, यहां लिख लो सिलोगिज्म, जो आपका सिलोगिज्म है यहां से आपके 3 प्रश्न 3 से 4, मैं 3 ही मान रहा हूं अभी, 3 प्रश्न आएंगे, तो वही मैं 40% बोल रहा था ना, 3 से 4 प्रश्न मान लो, 4 मान लो, तो ये 24 से 25 प्रश्न आपके यहां पर हो जाएंगे, 24 से 25 प्रश्न 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6 टॉपिक से आपके हो गए, 50% आपका कवर हो गया, 50% से ऊपर, ठीक है। अब यहां से ये तो हो गया, ये आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको इसमें जो है कॉन्सेप्ट देखना, और ये भी आसान सा आता है, इसको मैंने पढ़ाया, अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो खाली नो का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर कर लिए हो तो इसके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, इतना आसान सा आता है। तो ये आपके 24-25 प्रश्न पहुंचा दे रहा है, इतना ही टॉपिक अगर आप पढ़ ले रहे हो तो 25 प्रश्न पे जा गए। अब एक एक दो दो क्वेश्चन जो जिससे आ रहा है आप नहीं भी अगर उसको देखते हो, नहीं भी पढ़े हो, एक बार आपको अंदाजा है तो आप कर ले जाओगे। जैसे अल्फाबेट का प्रॉब्लम आता है, कोई भी नंबर लिख दे, मान लो लिख दिया यहां पर एनोलॉजी ही लिख दिया, और यहां पे आपसे दे रहा है NONOGY, उसके बाद से दे रहा है LOGY, आपसे पूछ रहा है इससे कौन सा अक्षर नहीं बन सकता, तो ये आप बच्चा वाला भी क्वेश्चन है, ये कोई भी कर सकता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन और भी कुछ मिला के एक दो क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन एक ही आपका हो सकता है, आए एक या दो आए, ठीक है। तो अब एक एक दो दो क्वेश्चन आएगा, हाँ एक ब्लड रिलेशन को भी मान सकते हो, थोड़ा सा ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो, और डिस्टेंस डायरेक्शन के भी 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो। तो ये और जोड़ लो जो आपके मेन मेन टॉपिक होते हैं, तो यहां पे आप 25, 3, 28, 29, 30, 31 प्रश्न आप पहुंच गए हो, 31 क्वेश्चन आप इन्हीं टॉपिक से पहुंच गए हो, बाकी आपके जो 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, वो आपको मिसलेनियस मतलब ओवरऑल एक एक दो दो क्वेश्चन करके बनाने पड़ेंगे। अभी आप 31 क्वेश्चन इन टॉपिकों से पहुंच गए हो, बाकी 12 क्वेश्चन आपको, 10-12 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे टॉपिक से बनाने हैं। जैसे कभी मिरर इमेज पूछ देगा, मान लो डिक्शनरी ऑर्डर के भी चांसेस बनते हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब होता है कि अल्फाबेट में अरेंज करना, ये कोई भी कर ले जाएगा, तो इससे एक दो प्रश्न आपके बन ही जाएंगे, हो सकता है एक दो, यहां से मिनिमम मान लो एक प्रश्न आपका आएगा, एक प्रश्न आपका एक से एज से आएगा। सीक्वेंस ऑर्डर में मान लो कहीं इंटरव्यू देने गए, चाहे कोई वेबसाइट खोलते हो, मेल भेजना है, तो क्या क्या सीक्वेंस आप लगाओगे, ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस एक तरह से बोला जाता है किसी चीज को, पहले आप जाओगे मेल खोलोगे, उसके बाद से आप ईमेल एड्रेस डालोगे, फिर अपना जो डॉक्यूमेंट जो लिखना है वो डालोगे, फिर सेंड पर क्लिक करोगे, ये सब करोगे ना, तो एक प्रोसीजर, एक सीक्वेंस वाइज लोगों को रखना, ठीक है। अब मान लो दे दिया कंट्री, दे दिया स्टेट, दे दिया है उसके बाद से विलेज दे दिया, तो उसको आप सीक्वेंस वाइज रखोगे, तो सीक्वेंशियल ऑर्डर से एक दो को एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। मिसिंग नंबर मैं मान के चलूं 1 से 2 प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है, तो 1, 2, 3, 3, 2, 5 प्रश्न आपके यहां से बन गए, 5 प्रश्न इन टॉपिक से, मिसिंग नंबर आएगा, एक ये आएगा, ये ध्यान रखना, एज से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिक्शनरी ऑर्डर आएगा और सीक्वेंस वाला भी आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन इन दोनों, 1, 2, 3, 4 टॉपिक मिलके आपको 5 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा मैथमेटिक का आता है, उसमें परसेंटेज पूछ देगा। हाँ एक चीज और, 5 ही हो गए ना, एक फिक्स चैप्टर और है, एक है मैथमेटिकल ऑपरेटर,
मैथमेटिकल ऑपरेटर में आप देखोगे, अगर मैं दिखाऊं यहां पर, तो यहां से एक एक क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में तीन पूछा है, तो एक से दो क्वेश्चन में कह सकता हूं कि ये भी आएगा और इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 35 प्रश्न मैंने यहां कर दिया और 5 प्रश्न ये कर दिया, टोटल आप 38 प्रश्न आप पहुंच चुके हो, 38 प्रश्न आप कर चुके हो, ये ध्यान रखो 38 प्रश्न आपके हो चुके हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर, सिक्वेंस ऑर्डर, डिक्शनरी, एज, ये आएगा। क्लॉक कैलेंडर आएगा नहीं आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्लॉक कैलेंडर आएगा नहीं आएगा, आएगा भी तो एक प्रश्न आएगा बस। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर सीटिंग अरेंजमेंट एक में पूछा था, हाँ एक में आपका देखो यहां पर मैंने आपको बताया है कि बाकी वेन डायग्राम आएगा वो ध्यान रखो, जो वेन डायग्राम है ये देखो, इसमें ये आएगा पक्का है, ये आएगा पक्का है, ये तो मैंने पहले ही लिखवा दिया कि ब्लड रिलेशन आना ही आना है, सीरीज आना ही आना है, ठीक है, अल्फाबेट वाला आना ही आना है, सिलोगिज्म आना ही आना है, ये भी आना ही आना है, ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन आएगा ही आएगा। अभी हम बात करें यहां पर जैसे काउंटिंग फिगर, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, लिस्ट चांसेस है, ठीक है। डाटा सफिशियंसी, ये भी आपके चांसेस हैं, कभी एक में चार क्वेश्चन पूछा है, एक में एक क्वेश्चन पूछा है, मैं कहता हूं आप तैयार जरूर करके जाना, क्योंकि डाटा सफिशियंसी और कुछ से नहीं आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से, डिस्टेंस डायरेक्शन से या रैंकिंग से, इन्हीं चीजों से मिलकर डाटा सफिशियंसी आपका बनेगा, और कोई अलग से टॉपिक नहीं देगा। तो दो क्वेश्चन मैं मान के चलूं कि डाटा सफिशियंसी हो जाए, अगर सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि इस समय टीसीएस जो है सीजीएल में भी आप देखोगे 2022 में पेपर हुआ था 21 का, उसमें आपका 22 में पेपर हुआ था, उसमें भी उसने सिटिंग अरेंजमेंट दिया था सर्कुलर, तो यहां देखो सिटिंग अरेंजमेंट के चार क्वेश्चन थे सितंबर वाले में, लेकिन रिसेंट में नहीं था, जो आपका अक्टूबर में हुआ था सितंबर के बाद उसमें नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि एक दो प्रश्न यहां से भी देख लेना। इनइक्वालिटी के लिस्ट चांसेस हैं, डीआई भी आपका एक पेपर में पूछ लिया था, तो डीआई इतना आप लोग तैयारी कर रहे हो, मैथ इतना बेसिक सा आएगा, टेबुलर डीआई आएगा, ठीक है, आएगा भी तो आएगा, लेकिन यहां मैं यहां बोल रहा हूं कि चलो बहुत कम चांसेस है एक दो क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन आप लोग उसके कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाना, रेशियो एवरेज परसेंटेज ये तो जानते ही होगे मैथ के, तो उसी पे आपसे पूछेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मेन यही है कि आपका चार क्वेश्चन यहां पे हो गया है, मैंने कहा कि दो दो क्वेश्चन अगर इसको मान लो तो चार क्वेश्चन आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन है, 8 × 4 = 12, मतलब आप 42 क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हो, 42 प्लस आप क्वेश्चन पहुंच चुके हो जितना मैंने आपको बताया, बाकी काउंटिंग फिगर हो सकता है आए ना आए, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपका हो सकता है एक दो बन जाए तो बन जाए, नहीं तो नहीं बनेगा, हो सकता है आ ही जाए, तो वही आपका तीन चार प्रश्न जो आपका आ रहा है, तीन प्रश्न 42 के बाद तीन प्रश्न, वो इधर उधर किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ये ध्यान रखो। लेकिन ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं कि अगर आप हर एक टॉपिक, रीजनिंग में थोड़ा सा यही दिक्कत है आपको, बेसिकली क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये तो आपके रीढ़ की हड्डी है, सिलोगिज्म, ठीक है, ये तो आपको सब में मिलेगा, लेकिन इसके बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है, किसी में कोई चीज ज्यादा, किसी में कोई चीज कम होता है, तो इसीलिए एटलीस्ट आपको जितना मैंने टॉपिक ये बता दिया एक बार सभी एक नजरिए से देख के जाना है। अब ये पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस का टाइम है, तो प्रैक्टिस कहां से करोगे, देखो प्रैक्टिस करने के लिए मैं शुरू से भी एक ही चीज चिल्ला रहा हूं कि आप SSC, CGL या CHSR या CPO, CPO में 50 क्वेश्चन आते, इनके रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहां से आपको मिल जाएगा हेल्प, नए ट्रेंड आपको पता चल जाएगा, और खासकर आप 19, 20, 21 वाला तो कर ही लो, 2021 वाले पेपर सभी, अगर आपको इतने किताब खरीदने हो तो किताब ना खरीदो, आप सीधे टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो, वहां पे आपको इसका मिल जाएगा, वहां पे आपको पूरा प्रीवियस ईयर है पूरा सॉल्व कर डालो, ठीक है। उसके बाद से हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, बैच है जो आपका UPPCL वाला एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो बैच है 599 का है, उसी बैच में आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, उस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से देख लो, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, क्योंकि वो आपका उसी तर्ज पे बनाया जा रहा है, तो टेस्ट सीरीज को देख लो, प्रीवियस पेपर आपको जो दिया गया उसको अच्छे से एनालाइज कर लो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे,
ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने का नहीं, मेन प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस को मैंने बता दिया भाई, इसको लगाना शुरू कर दो, आपका रीजनिंग में 42 प्लस चला जाएगा, अच्छा स्कोर करोगे, और ये स्कोरिंग होता है, बच्चे इसमें स्कोर करते हैं, ये मैंने आपके प्रीवियस पेपर के बेसिस पे आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है। ऐसे ही मैं कंप्यूटर में आपको बता दूंगा, कंप्यूटर में देखो स्कोर करके क्या करोगे, मैं तो उसमें बता देता कि तुम 50 में 42 43 प्लस ले आओ, लेकिन यह है कि उसका कोई स्कोर जुड़ेगा नहीं, उसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगा कि आप क्वालिफाई कैसे कर जाओ, बस वही टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अगर कोई दिक्कत कोई समस्या है इससे रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर करना, टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपका अगर यूपीपीसीएल की तैयारी में कोई बाधा आ रही है तो उसको हम लोग सॉल्व करें, जम लगा दो, एकदम जान लगा दो कि ये सिलेक्शन लेके रहना है, और इन इन टॉपिकों पे सिलेक्शन मतलब टॉपिक पे जो है आपका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, उसके बाद से सीरीज, ये आपको पक्का है, रीण की हड्डी है, इनमें से तीन तीन चार चार के बल्क में प्रश्न बनेंगे, सिलोगिज्म के भी प्रश्न आप बल्क में आने लगे हैं तो उनको भी ध्यान रखना, तो एक तरह से बस समझने वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट वाला यही है, बाकी सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग बस बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो जबरदस्त तरीके से, कोई समस्या कोई परेशानी आती है तो जो पेड़ बच्चे हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर जानते ही हो, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।